तो अगर आपके पास है Vivo Y28 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को फिंगरप्रिंट के साथ लॉक करना चाहते हो तो कैसे लॉक करोगे या अपने ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे ऐड करोगे। तो ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो जाता है, थोड़ा ध्यान नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई भी प्राइवेसी लॉक बनाया रहेगा तो वो आपको डालना, अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपको यहाँ से एक लॉक सेट करना है। दोस्तों मैंने पहले से बनाया था, वो लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे दोस्तों वो लॉक मैं यहाँ पे डालता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो जाता है, और आप बना लेंगे तो भी आपके मोबाइल में इस तरह से शो जाएगा। अब यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन पे क्लिक करना है, जो भी एप्लीकेशन लॉक करना है उसके सामने आपको टिक नहीं मिला, मान लीजिए यूट्यूब को लॉक करना है, यूट्यूब के सामने टिक ऑन कर देना है। अब फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करते हैं, एक बार बैक आएंगे, फिर से एक बार बैक जाना है। अब फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पे जो भी आपने स्क्रीन लॉक बनाया है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसी डालते दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इसके सामने टिक इनेबल करना है। आपने जो भी प्राइवेसी लॉक बनाया है वो लॉक यहाँ पे आपको डालना है। इसी दोस्तों वो लॉक यहाँ पे आप डाल देते हैं, आपके मोबाइल में सक्सेसफुली ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव, आप डायरेक्ट कट करता हूँ और यहाँ पे यूट्यूब को मैं ओपन करता हूँ। यूट्यूब पे फिंगरप्रिंट लॉक सेट किया था, देख सकते हैं हमारा यूट्यूब जो है वो फिंगरप्रिंट के साथ लॉक है। फिंगर से फिंगर को टच करता हूँ, हमारा यूट्यूब जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में आसान तरीके से किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक आसानी से सेट कर पाओगे। वीडियो से सही जानकारी मिली, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, मिलते किसी नई वीडियो में।